हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है एक हम ऐसे डेट फ्री शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले जिसके ऊपर किसी तरीके का कर्ज नहीं है। 8 टाइम्स बोनस, 3 टाइम राइट इशू लेके आया है, डिविडेंड तो देते ही रहता है। ओके, पिछले कुछ सालों से वो शेयर चल नहीं रहा है जस्ट बिकॉज उस सेक्टर में ही प्रॉब्लम है, बट आने वाले टाइम में उसमें बड़ा बूम आने वाला है। ओके, और काफ़ी कम शेयर, कम प्राइस में वो शेयर आपको 150-160 रुपीज़ में वो शेयर आपको दिख रहा है, तो फ्यूचर में काफ़ी उसको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसलिए मैं उस शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बट बिफोर दैट उससे सब फंडामेंटल एनालिसिस करें तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको पेश होती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके रिटर्न्स। देखिए, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, नेगेटिव में आपके रिटर्न्स हैं। ओके, मेरे को सब कुछ दिखाना ज़रूरी है क्योंकि मैं दिखाऊं आपको इतना अच्छा शेयर है और उसके रिटर्न्स में आपसे छुपाऊं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट बिकॉज नॉलेज के पर्पज़ से ये वीडियो बनाई जाती है, एजुकेशन पर्पज़ से। तो देखिए, 1 डे 1 वीक नेगेटिव रिटर्न और कुछ खास रिटर्न आपको दिखेंगे, सब कुछ मतलब लॉन्ग टर्म में भी इसमें आपको नुकसान ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, नेगेटिव रिटर्न आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, रेड रेड में आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बट आगे चल के बात करते हैं, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 45.99% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है 0.33 से, जो कि 9.08% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड 15.99, इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है 0.08% की, जो 640% की हिस्सेदारी है। अदर DIIs 0.48 और नॉन इंस्टीट्यूशन 22.06% की हिस्सेदारी इसमें रखता है। तो इसकी बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। देखिए, डेट फ्री शेयर है, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो रिजर्व्स की बात की जाए तो देखिए, रिजर्व्स देखिए क्या बेहतरीन रिजर्व्स है, हर साल इसके कंटिन्यूसली रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। 62.11 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 0, एज वेल एज इसके हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो लगभग 18.73 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने कर रखा है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग 154.59 करोड़ रुपीज़ के इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस या कैश इक्विवेलेंट इनके पास है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी एज अ बैलेंस शीट नज़र आ रही है। इस एज वेल एज हम बोनस इस डिविडेंड की बात कर लेते हैं एक बार। तो डिविडेंड देखिए, कंटिन्यूसली डिविडेंड देता रहा, हर साल का डिविडेंड देता आया है ये। एज वेल एज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, स्प्लिट एक बार स्प्लिट हुआ है 2006 में, राइट इशू 3 बार राइट इशू आया है, एज वेल एज मैं आपको बोनस दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, 8 टाइम्स ये बोनस देती आई है कंपनी, और ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। तो देखिए, 1965 में बोनस दिया था, 68, 74, 77, 80, 83, 87, 2003 में इन्होंने लास्ट बोनस दिया था, जो कि 17 साल पहले था। तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। ओके, अब शेयर क्या कौन सा है तो मैं आपको देना चाहता हूँ कि शेयर का नाम है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री का आपने नाम भी सुना, एक्साइड बैटरीज बनाने वाली कंपनी है, आपने ज़रूर सुना होगा इसका नाम। ओके, आपके घर में शायद अगर एक्साइड की बैटरीज होंगी भी, अगर आप इन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हैं तो ये बैटरीज प्रोवाइड करता है। तो इस शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाने का मतलब मेरा क्या था वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताना चाहता हूँ। बट इससे पहले मैं आप इस एक बार इसकी परफॉर्मेंस देख लेते, चार्ट देख लेते। तो 5 डेज नेगेटिव, 1 मंथ ओके लगभग इसी एरिया में घूम रहा है, डाउन अप। और पैंडामिक से पहले की बात कर लेते, पैंडामिक में से पहले लगभग 200 रुपीज़ के आसपास ये था शेयर, 126 के अबाउट ये गया था। और इसके अलावा अब बात कर रहे थे 160%, मतलब थोड़ा बहुत इसने पेंडेमिक जो गिरा था तो उठने की कोशिश करी है, तो बट फिर भी ज़्यादा इसने रिटर्न नहीं दिए। अगर देख ले तो 22% के रिटर्न इसने दिए है पेंडेमिक से अब तक। 1 ईयर नेगेटिव, 5 ईयर्स में भी देख लीजिए कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, इसी कंसोलिडेशन फेज में चलता आ रहा है। और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो देखिए, चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है। ओके, तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से 2018 से ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई है, तो इसलिए ये शेयर भी नीचे गिरता जा रहा है। अगर 2018 से पहले की बात की जाए तो शेयर बेहतरीन तरीके से केवल आपको अप ट्रेंड में ही दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। बट
ऑटो सेक्टर से कहीं ना कहीं ये रिलेट करती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको गिरावट काफ़ी बेहतरीन अच्छी ज़्यादा गिरावट आपको नज़र आ रही है, क्योंकि पूरे सेक्टर में ही प्रॉब्लम है। आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो लगभग 12% की डिलीवरीज उठाई गई है, और ₹124 में 19 मार्च को ये शेयर मिल रहा था, और 2008 में 27 जैन को ये शेयर ट्रेड कर रहा था इसके आसपास। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डिविडेंड के बारे में भी बता दिया, और किसी भी तरीके का कोई भी शेयर का प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर कर्ज में नहीं है। तो काफ़ी यहाँ पर अप डाउन्स देखे गए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग ₹200 पर शेयर चलता था, और अभी 160 है, तो अभी भी ₹40 का तो यहाँ पर गैप अप है, तो आप इजीली ले सकते हैं। और इस शेयर में अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 और 10 ईयर्स। ओके, काफ़ी अच्छा मूव आने वाला है। ये क्यों आने वाला है इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेंगे, ईवी मिलेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी डीजल से चल रहे हैं, जो अभी पेट्रोल से सीएनजी से चलते हैं, तो आगे चल के क्या होने वाला है, आगे चल के ये होने वाला है कि ये पूरा का पूरा मॉड्यूलेशन चेंज होने वाला है। ओके, जो अभी डीजल और पेट्रोल से चल रही है कारें, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चली जाएंगी। धीरे धीरे स्टेशंस भी बन रहे हैं हमारे पूरे इंडिया में। तो होने क्या वाला है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ काफ़ी प्लान कर रही है। देखिए, इंडिया प्लान्स $4.6 बिलियन इन इंसेंटिव फॉर बैटरी मेकर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करने के लिए लगभग इंडिया, मतलब हमारी गवर्नमेंट $4.6 बिलियन खर्च भी करने वाली है। एज वेल एज अभी जो एक साइड है, ओके, वो जो बैटरीज उसमें यूज़ होती है, लिथियम आयन बैटरीज जो यूज़ होती है वो नहीं बनाती है, बट इनका जो प्लान है, ओके, वो दिसंबर में प्लान होने वाला है। देखिए, यहाँ पढ़ लेते हैं, वी विल मेक बैटरीज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट इज़ सेड बाय गौतम चटर्जी, जो कि एक्साइड के एमडी एंड सीईओ, उनका कहना है कि वी विल मेक बैटरीज फॉर सेवरल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, डिपेंडिंग ऑन डिमांड, तो डिमांड के ऊपर ये बनाएंगे। और यहाँ पर लिख रहे हैं, डिस्पाइट फॉरइंग इन टू फ्यूचर टेक्नोलॉजी देयर इज़ नो मेजर थ्रेट। तो ये इनका कहना है कि ये इजीली जो ये बैटरी, जो आयन लिथियम आयन बैटरीज जो चाहिए होती है वो इजीली बना सकते हैं, कोई इनके लिए थ्रेट नहीं है। तो ये बैटरीज बनाएंगे, ओके, और सारी की सारी जो आज ऑलमोस्ट जो रनिंग कार भी है उनकी भी उनके भी बैटरीज को चेंज की जाएगी, ताकि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल सके। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर फ्यूचर में आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्कोप है। ओके, तो दो कंपनीज है जिसमें बहुत बड़ा जंप आने वाला है। ओके, एक तो ये एक्साइड है, और एक और है अमरा राजा। तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, वो भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, बट ये डेट फ्री कंपनी है, तो मैंने इससे पहले आपको इससे रूबरू कराना जायज़ समझा। तो डेट फ्री कंपनी है, किसी भी तरीके करनी है। इनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा ऊपर नीचे है पिछले 2 साल से, बट आपको बताना चाहता हूँ, और डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, और डिविडेंड बोनस सब कुछ कंपनी देती है, और आने वाले 5 से 10 साल में कंपनी में बहुत बेहतरीन मूवमेंट आने वाली है। तो इसकी तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं, इस कंपनी को आप अपने रडार में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं पेश करता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।